हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ, ज्योति बोल, ज्योति विकास है। आप हाँ बताइए। ज्योति विकास बोल रहे हैं हाँ बताइए। सर? ये एचडीएफसी बैंक की तरफ से बात कर रहा हूँ सर। कौन सी बैंक की तरफ पेमेंट से? हाँ पेंडिंग है एचडीएफसी। बताइए। ये पेमेंट पेंडिंग है सर, पर्सनल लोन का अभी तक क्लियर नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? रवीन बात कर रहा हूँ सर। नवीन? रवीन प्रवीण। रवीन। हाँ हाँ तो सर ये पेमेंट अभी होगा नहीं, थोड़ा जरा इश्यू चल रहा है, फंड इश्यू। फंड इश्यू चल रहा है हाँ तो सर, एटले एक ईएमआई तो करा दीजिए ना सर। सर, ये EMI हो नहीं पाएगा तभी फंड इश्यू बताया जा रहा है। हो पाता तो मैं कहता फंड इश्यू। सर लेकिन ये कितना अच्छे से लोन सबका चल रहा था, ये पेमेंट नहीं करेगा। अकाउंट ऑलरेडी 2 महीने धीरे चल रहा है, तो 1 महीने का पेमेंट है ना सर, 2 महीने का पेमेंट होगा। आप 1 महीने का तो पेमेंट करवा दो कम सर, नहीं कर से कम। पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा तभी बता रहा हूँ मैं आपको। अभी फंड इश्यू चल रहा है, अभी नहीं हो पाएगा। सर लेकिन फंड इश्यू चल रहा है तो अरेंजमेंट करिए ना सर। अरे सर, अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा ना तभी तो मैंने कर रहा हूँ। अभी समय लगेगा, कितना समय लगेगा? अभी 1-2 महीना लगेगा। ऑलरेडी 2 महीने दिए ना सर आपको। 2 महीने आपने दिए, मैंने लिए? आपने ही लिए ना सर, तो बैंक ने भी तो दिए ना 2 महीने। बैंक ने, बैंक 1 दिन में दे, आप 2 महीने की बात करो। बैंक ने कुछ नहीं दिया, मैंने लिया है, कंज्यूम किया। आपने कंज्यूम किया ना? हाँ हाँ तो 2 महीने हो गए ना सर, तीसरा महीना भी लग रहा है ना सर। सर आप मेरा इंटेंशन ना बदल दो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस पे अभी नहीं दे पाऊंगा, अभी थोड़ा समय लगेगा, फंड इश्यू चल रहा है। सर मैं वही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा अरेंजमेंट करके। सर मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मान जाइए, कहीं मेरा इंटेंशन ना बदल जाए। सर इंटेंशन ना बदल जाए मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है, ये होता है कि मैं कर दूंगा कुछ समय के बाद पेमेंट। सर बराबर, लेकिन काफी टाइम हो गया ना सर। सर आप एक काम करो, आप एक काम करो, RTP डाल दो। क्या? RTP डाल दो। RTP डालो? हाँ बदल गया इंटेंशन। क्यों सर? RTP डाल दो और डिस्पोजिशन में कंडीशन। RTP मतलब क्या होता है सर? आपने DRA किया, ऐसे बैठ गए? मैं वही पूछ रहा हूँ सर, RTP मतलब क्या होता है? आप ही बता दो, DRA किया है तो। फाइनेंस सेक्टर, मैं वही बोल रहा हूँ, आप फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे हो, इसका मतलब आप पेमेंट बाउंस करोगे, ऐसा होता है क्या? हाँ और क्या। हाँ मैं बोल कह रहा हूँ, आपने DRA किया या ऐसे बिठा लिया? सर मैं वही बोल रहा हूँ आपको, मैंने DRA किया है इसलिए तो आपको पूछ रहा हूँ ना। आपका मैं अभी CA देख रहा हूँ जॉब प्रोफाइल। आप फाइनेंस में सेक्टर में काम कर रहे हो इसीलिए आप RTP डालो, ये सब कोडिंग में बात कर रहे हो ना मेरे से, बराबर ना? फुल फॉर्म बताया था, रिफ्यूज टू पे। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको सर, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है इसलिए आप मुझे उस कोडिंग लैंग्वेज में बात करोगे सर। मुझे थोड़ा नहीं, मुझे पूरा नॉलेज है। RTP डाल दो, बोल दी ना। तो इसलिए सर पेमेंट नहीं कर रहे हो क्या? आप पेमेंट नहीं कर रहा? मैं क्यों नहीं करोगे? नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा। अरे मन मन पे थोड़ी होता है सर, आपने आपको इंटेंशन इशू है। इंटेंशन इशू, इंटेंशन इशू है तो क्या करेंगे सर? इंटेंशन इशू में, इंटेंशन इशू को क्या करेंगे? हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं आपको सर, इंटेंशन इशू आप बोल रहे हो ना, क्या करना है सर? अभी अभी क्या पेमेंट नहीं करना और क्या? पेमेंट अरेंज करो ना सर। पेमेंट नहीं करना बिल्कुल? अरे पेमेंट नहीं करना ऐसा थोड़ी होता है सर, आपको अरेंज करना होगा ना सर। सर बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, RTP डाल दो, मुझे पेमेंट नहीं करना। सर मैं कहा था आपसे गलत बात कर रहा हूँ सर, मैं भी तो आपसे रिक्वेस्ट के तौर पे ही बात कर रहा हूँ कि सर फिर पेमेंट करना है। आप थोड़ा सा सर किया और इतना ATM कम से कम करवा। जब कस्टमर ने मना कर दिया तो उसके सर क्यों पड़ रहे हो? मना तो कर दिया, RTP डाल दो। सर पेड़ थोड़ी पड़ रहे हैं सर आपका, आपने लोन लिया है, कर्जा लिया है अपने बैंक से, आपको जरूरत थी तब आपने बैंक से पैसे मांग के लिए, वो पैसा लौटा ना आपको बैंक को? ना मैं नहीं दे रहा ना, इंटेंशन आपने मेरा पर्सनल थोड़ी पैसा लिया है जो मैं आपके। अरे मैं नहीं दे रहा इंटेंशन, मेरा इंटेंशन नहीं है देने का सर। इंटेंशन मनाओ सर पेमेंट देने का सर, लोगों का पैसा आपने यूज किया है, ये पब्लिक मनी है सर। पब्लिक मनी? हाँ तो मेरा इंटेंशन नहीं है, कह तो दिया पब्लिक मनी में। अरे तो इंटेंशन, इंटेंशन बनाओ सर आप, पेमेंट करने का इंटेंशन बनाओ।
मैं बहुत इंटेंशन बनाओ सर। नहीं अरे अरे नहीं बन रहा इंटेंशन यार, वही बोल रहा हूँ ना सर, 2 महीना हो गया ना सर। तो भरोसे वाले तुझसे कह दी, मैं कह रहा हूँ भरोसे वाले तुझसे मैंने कह दी इंटेंशन नहीं बन रहा, आरटीपी डाल दे, क्यों दिमाग खराब कर रहा है सर। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ ना आपको, आप थोड़ा सा अरेंजमेंट करने का कोशिश करिए ना सर, एक ही हमें करवा दीजिए। मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि कम से कम एक ही हमें करवा दीजिए ना सर। मैं भी तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप मुझे दोबारा फोन मत करना प्लीज सर। 2 महीने हो गए सर, 2 महीने में आपने पेमेंट नहीं पे किया है 1 रुपए, तो तीसरे चौथे महीने में इकट्ठा आप कहाँ से पैसे लाओगे? तो तब कर देंगे। क्या बोल रहे हैं? अगर डीपीडी 180 प्लस हो जाएगा तब कर देंगे। 180 प्लस डीपीडी पे क्यों भरेंगे सर? जब हो जाएगा तब कर देंगे। नहीं क्यों हो, जब हो जाएगा तब करोगे सर? ऑलरेडी आपका 90 डीपीडी पे इंटेंशन तब का ही है। आप मुझे एड्रेस दो सर, तब का ही है सर। मैं क्या बोल रहा, आप मुझे एड्रेस दो ना सर, मुझे आपका एड्रेस दो। एड्रेस तो क्या करोगे सर, मैं आके बात करता हूँ ना आपसे पर्सनली, जो है आपका आगे क्या कर लोगे, क्या बात करोगे? मैं क्या करूँ सर, वही पेमेंट ही मांगूंगा आपसे। पेमेंट मैं फोन पे ही मना कर रहा हूँ ना, पेमेंट नहीं दे रहा सर। फोन पे मना कर रहे हो ना सर, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, मैं आके आपसे रिक्वेस्ट करके पेमेंट मांगता हूँ, और क्या करूँ सर? तो रिक्वेस्ट अभी कर लो, अभी मना कर देता हूँ, नहीं दे रहा, मेरा इंटेंशन नहीं है। खैर मैं राइट ऑफ के बात सर, मैं वही बोल रहा हूँ, आप मुझे राइटिंग में तो मेल पे दे दो ना, मेरा इंटेंशन नहीं है करके। क्यों दे दूँ? राइटिंग पे दे सर, वही बोल रहा हूँ ना सर, फोन पे बात कर रहे हो ना, तो ये राइटिंग में दे दो। एक काम करो, अपने मेल से, अपने मेल से मुझे मेल कर दो, फिर मैं भेज दूंगा। मेल किया ना सर आपको, हर महीना मेल कर रहे हो ना, पेमेंट आपका हर महीना बाउंस हो रहा है। अपने पर्सनली मेल से करो सर, पर्सनल मेल से क्या होता है? बैंक से आपने पैसा लिया, बैंक आपको मेल कर रही है, आप बैंक को मेल करो, मेरा इंटेंशन प्रॉब्लम है, मैं नहीं दूंगा पैसा, जो करना है बैंक आगे का प्रोसेस कर ले। तुम्हें एजेंसी में क्यों बिठाया हुआ है? जब बैंक को ही बताना है तो तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, फोन कट करो। तो सर आप ये बोल रहे हो कि मुझे एजेंसी में क्यों बिठाया, जब बैंक को बात करना है तो सर मैं वही बोल रहा हूँ ना, बैंक आपसे क्यों बात करेगी जब आपको बैंक को पैसा बता रहा है? बता तो दिया तुझे, बता तो दिया, इसीलिए तो रखा है ना आपसे पैसे मांगने के लिए सर, आप पेमेंट नहीं भर रहे, इसीलिए तो मुझे हायर किया है ना सर। तो बता तो दिया तुझे, पेमेंट मांगने को रखा है, मैं भी तो सर आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ ना सर, मैं भी तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ ना, तो पैसा मांगना गलत है क्या सर? आपकी रिक्वेस्ट मैंने रिजेक्ट सर, आपने आपके जरूरत के टाइम पे बैंक से पैसा यूज किया था, मेरा पैसा मांगना आपसे गलत है क्या? आपकी रिक्वेस्ट मैंने रिजेक्ट कर दी, आपको कोई पैसा नहीं दे रहा था, तब जाके आपने बैंक का सहारा लिया। यार तू भी यार बहुत चुक्कू है, रिकवरी एजेंट बड़े चुक्कू होते हैं, जब तेरी मैंने रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। क्या होता है सर इसमें, मैं कहां का चुक्कू सर, मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, आपने पैसे यूज किए वो पैसे मांग रहा हूँ सर, चुक्कू क्या होता है सर? कान से टीएल का डंडा निकालो, कान से टीएल का डंडा निकाल और मेरी बात सुन सर। मैं टीएल नहीं सर, मैं एक साधारण एम्प्लॉय हूँ, आपके पैसे यूज किए, मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ। वही तो कह रहा हूँ, टीएल का डंडा निकाल के मेरी बात सुन, आरटीपी डाल दे, नहीं दे रहा, इंटेंशन इशू है सर। ऐसा नहीं होता है ना सर। तो कैसा होता है? आप ऐसा, आप अगर सेम प्रोफेशन में काम कर चुके हो, आप ही ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा सर? तो कैसा होता है, कैसा होता है? तो आप ही सोचो ना सर, आप पूरा इंडस्ट्री आप खराब कर रहे हो सर। आप ऐसे, आपकी सोच ऐसी रहेगी तो फिर आगे जाकर सर कैसे होगा सर? आप अगर ऐसे रॉन्ग इंटेंशन रखोगे, आप पूरा मार्केट खराब कर रहे हो सर। आई एम सो सॉरी, अब मैं जो है ना, मैं बोलता रहा हूँ, पेमेंट कर दूंगा, डीपीडी 180 प्लस हो जाना, तो 180 प्लस डीपीडी सर। मैं वही मेल पे मांग रहा हूँ ना सर आपसे, आप मेल कर दीजिए बैंक को कि मैं 180 भी मेरा इंटेंशन नहीं है, मेरा 180 हो जाए, 1 write-off हो जाए, तब मैं जाके पेमेंट करूंगा, आप मेल कर दीजिए सर। तो एक काम कर भाई साहब, घर पे ही आ जा तू, हाँ घर पे ही आ जा, घर पे ही तुझे देता हूँ। कौन सा एड्रेस है सर आपका? जे कैम तिगड़ी में आ जा। कहाँ पे? जे कैम तिगड़ी। ये कहाँ पे है सर? जे कैम तिगड़ी दिल्ली में है। दिल्ली में? तो अभी एक काम करो ना सर, आपका एड्रेस अभी मेल पे ही अपडेट कर दो ना, मेल पे ही, आप अभी मेल करोगे ना, मेल बड़ा, पे बड़ा, कर बड़ा ये मेल मांग रहा है, क्या बात है सर। मैं अभी आप एड्रेस तो अपडेट करना पड़ता है, घर भर पे रिश्ता करवाना है क्या मेरा? फोटो भेज दू
सर घर वर पे रिश्ता नहीं, मैं आपको इसका पर्सनल पोस्टल पैसा नहीं मांग रहा हूँ सर, घर भी से पैसा लेने के लिए क्या आपसे मैं दहेज के पैसे मांग रहा हूँ? दहेज के नहीं, क्या बहन भी आनी है? मैं वही तो बोल रहा हूँ, बहन भी आनी है क्या? अपनी फोटो वोटो भेज दो। आप गलत बात कर रहे हो ना सर, आप मेरे से गलत बात कर रहे हो सर, ये कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है। आई एम सो सॉरी, मैं तो डर गया। तो काम करो सर, मैं इसे रिकॉर्ड करो, इसे रिकॉर्ड करो, पेंडेम में डालो सर। और वही बोल रहा हूँ मैं, वही तो बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुन, इसे रिकॉर्ड कर, पेन ड्राइव में डाल और कुर्सी पर रख, इसे रिकॉर्ड करके पेन ड्राइव में डाल और कुर्सी पर रख, अच्छा उतार कर उसके ऊपर बैठ जा। कहाँ पे बैठूँ? मैं कह रहा हूँ ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इसे रिकॉर्ड करके पेन ड्राइव में डाल। कहाँ पे डालू? पेन ड्राइव। और उधर सुन तो ले, मेरी बात ही नहीं सुन रहा पूरी। वही तो सर, आपकी बात, आप क्या बोल रहे हो सर, आपको आपको ही समझ में नहीं आ रहा आप क्या बात कर रहे हो। वही तो बता रहा हूँ तुझे, रिकॉर्डिंग को पेन ड्राइव में डाल। अरे पेन ड्राइव में क्यों डालू सर? अरे सुन तो ले, सर्वर में आपका रिकॉर्डिंग जाता है, तू बता सर्वर में पेन ड्राइव में क्यों डालू? मुझे बता रहा है ना, तू मुझे बता रहा है रिकॉर्ड हो रही है तो उसका तोड़ बता रहा हूँ सर। ये आपको भी पता है ना, आप फाइनेंस में काम कर चुके हैं। अरे मैं कॉल ट्रेनिंग और क्वालिटी पर्पज रिकॉर्ड किया जा रहा है, मेरा भी काम का, मेरा भी काम का वही रूल से मैं आपको ये कर रहा हूँ सर। बहन के भैया सुन तो ले, सुन तो ले, बहन के भैया सुन तो ले। हाँ तो मैं वही चीज बता रहा हूँ सर आपको, कि एक और रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं आपको भरोसे वाले, भरोसे वाले मेरी बात तो सुन ले, सुन ही नहीं रहा। इसे पेन ड्राइव में डाल रिकॉर्डिंग को, कुर्सी पर रख, कच्चा उतार पर उसको बैठ जा। कैसे करो? रिकॉर्डिंग को पीछे डाल ले अपने, रिकॉर्डिंग का मैं क्या करूँ, रिकॉर्ड हो रहा तो। हाँ तो सर बताना, मेरा काम है ना सर, बताना मेरा काम है। बता दिया तो फोन कट कर दे। तो आपका काम है सर पेमेंट भरना, पेमेंट भर दीजिए। पेमेंट नहीं भर रहा मैं, बोल तो दिया, कैसे बोलूँ, आईटीपी डाल दे यार, तुम चुपक जाते हो बिल्कुल। जब तक गाली ना सुना दूँ ना तब तक मजा नहीं आएगा तुम्हें। सर गाली देके आपको क्या मिलेगा? गाली देके मुझे? हाँ मतलब सुनना चाह रहे हो तुम सर? सुनना चाह रहे हो गाली यानी? तुम मैंने, मैं आपको बोला सर, गाली देके आपको क्या मिलेगा? गाली देके मुझे बहुत आनंद मिलेगा। आनंद मिलेगा? गाली दे दो सर, लेकिन पैसा भर दो। तेरे मुंह में देना पड़ेगा, तू ऐसे नहीं मानेगा। हाँ दे दो सर, गाली दे दो आप, लेकिन पैसा भरो सर। मैं गाली सुन लूंगा सर आपके। अच्छा आपके, तो आपके एक... दिल आपको तसल्ली लगता है ना सर, आप गाली दे दो, लेकिन लास्ट में मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, आप प्लीज पेमेंट भर दो EMI। बड़ा यार आपके दिल की, आप मतलब EMI के लिए अपनी बेच देगा तू इज्जत, लेकिन EMI भर दो सर। मैं वही बोल रहा हूँ ना सर, आप गाली दे दो, जितना देना है दे दो सर, आपके मन का भड़क निकाल लो, लेकिन पेमेंट करवा दो। EMI के लिए अपनी दे देगा, आपके दिल की तसल्ली के लिए सर, आपके दिल की तसल्ली के लिए पूरा गाली दे दो सर, जो गाली देना है दे दो, लेकिन फाइनल में एक पेमेंट करवा दो आपका। EMI पेमेंट मैं कर दूंगा, तुम एक काम करो, अपनी बहन से मेरा रिश्ता पक्का कराओ। दे दो सर गाली, दो और सर दिलवा दोगे फिर? और सर बोलो, और दिलवा दोगे बहन की? सर और गाली दो ना सर, मैं वही बोल रहा हूँ, आप गाली दे दो, मैं सुनूंगा सर। यार जितना बोल रहे हो ना उतना मैं सुन लूंगा सर, मैं आपका ठीक है, गाली दे दो ठीक है, लेकिन आखिर में आप पेमेंट करवा दो, इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे। यार मैंने तुझ जैसा रिकवरी एजेंट नहीं देखा, तू बड़ा ही अजीब है। मैंने अभी सर गाली, सर गाली दे दो सर, गाली दे दो, मुझे पेमेंट करवा दो सर। ITP डाल दे, ITP डाल दे, क्यों गाली सुनना चाह रहा है सर? ITP नहीं सर, आप मेरे को गाली दे दो सर, मेरा भी काम है, मेरे भी रोजी रोटी है सर। हाँ मुझे तो बता दो दिया, हाथ में है, हाथ में है फंक्शन सर, वही बोल रहा हूँ, ऑप्शन है, ITP डाल दो, आगे बढ़ाओ। हाथों में ऑप्शन नहीं होता सर, सिस्टम पे MS देता है, ठीक है आप पेमेंट कर दो, इतना रिक्वेस्ट है मेरा। पेमेंट नहीं करूंगा मैं, कैसे समझाऊं? अरे सर मैं वही आपके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी आपने गाली दिया ना सर, अभी आपका मन को शांति मिला ना, अभी पेमेंट करवा दो सर। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें।
जय हिंद दोस्तों।